एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक भोजीपुरा में स्थित खितोसा गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 8 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 22 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने शंकर लाल को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 3000 की आबादी एवं 1670 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 420 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 233 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 31 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 5 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 85 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 101 स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व पुलिया का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 310 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, पारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, शमशान घाट, प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। एवं पंचायत खितौसा भोजीपुरा वो ब्लैक भोजीपुरा मेरी पहले जो कहा और करीब 600-700 मीटर हमें मेरे यहाँ और हो जाए तो पूरा गांव हो जाएगा मेरा। और स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, नहीं तो बराज घर है और एक आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है गौटिया में। मैं ये चाहता हूँ कि और जो अधिकार हमारे लोगों के छीन लिए गए हैं वो हमें वापस मिलना चाहिए, ऐसे हमारी मांग है, ये हमारी पूरी कर दी। मैंने सीसी भी काफ़ी डलवा दिया है और स्टील लाइटें भी पूरे गांव में लगवा दी है और जो है शौचालय भी करीब लगभग 500 के से कुछ कम है बन चुके हैं, बन गए मेरे यहाँ टोटल। और ये थोड़े बहुत काम और हो जाए तो सारे काम मेरे गांव के शुद्ध हैं।